जिनके सिर पर बाल नहीं होते उन्हें बारिश से बचकर चलना चाहिए, अन्यथा टकले पर जख्म होने की दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान जो एलओसी पर उछल कूद मचा रहा है, उसे भारत के सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने अपना संदेश भेज दिया है। शायद इसके बाद चार बार टकले कर रहे से बाल उड़वा चुका पाकिस्तान इस बार खरबूजे को बचाकर जरूर चलेगा। मतलब पायजामे में नाड़ा नहीं है और कुर्ते की जेब उधड़ी पड़ी है। ऐसे में भिखारियों की तरह ज्यादा चटर-पटर की तो पायजामा और कुर्ता उतरकर इस्लामाबाद के चौराहे पर उड़ता नजर आएगा। दुनिया को भी नहीं पता लगेगा कि यह किसी भिखारी की इज्जत लटक रही है अथवा किसी फंटर मुल्क पाकिस्तान को भारत ने लटकाया है। अनुच्छेद 370 ने इमरान खान को इस्तंजा करना तक भुला दिया है। एक हफ्ते तक इसने अनाड़ी कूटनीतिक वाला व्यवहार किया, यानी जैसी पाकिस्तानी मदरसों में तालीम दी जाती है उसका उन्होंने जमकर मखोल उड़वाया। पाकिस्तान भारत की शिकायत लेकर चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, रूस, यूएस सहित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन तक गया, लेकिन सभी देशों से इसे मुंह की खानी पड़ी। भारत के साथ लगभग सारे द्विपक्षीय रिश्ते तोड़ दिए और सारे व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिए। बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 1949 के यूएनएससी प्रस्ताव के आधार पर ही पाकिस्तान को 1972 में हुए शिमला समझौते का हवाला दिया। गौरतलब है कि 1971 में पाकिस्तान के टकले को आधा साफ करने के बाद शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अपने सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाएंगे। पर यहां तो मोदी इस खटारा मुल्क के अनाड़ी नेताओं के फोन उठाना तक भारत की तोहिन समझते हैं, इसलिए जंगली कुकर की तरह ये भागे दौड़े फिर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के इस बयान ने कुरेशी की आशाओं को धराशायी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय समझौते से शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि चीन, रूस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कश्मीर मुद्दे पर किनारा क्यों किया? क्या केवल इस वजह से कि यह भारत का आंतरिक मामला था अथवा इन देशों के अपने भी स्वार्थ रहे हैं? दरअसल इस वक्त चीन खुद घरेलू स्तर में मुसीबत में फंसा हुआ है। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर उसके द्वारा अत्याचार के कारण वह अमेरिका और सहयोगी देशों के निशाने पर है। अगर वह भारत के मामले में दखलंदाजी करता है तो संयुक्त राष्ट्र में भारत इस मुद्दे को उठा सकता है। उसकी दूसरी समस्या तिब्बत और हांगकांग को लेकर है, जहां हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका जिस प्रकार चीन पर प्रहार कर रहे हैं, वहां उसे भारत की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। यही वजह रही कि लद्दाख पर अपनी संप्रभुता को खतरा बताने के बाद चीन को मोदी सरकार ने उसके कुकर्मों की याद दिला दी, जिसके बाद चीन ने बहुत संभलकर बयान दिए हैं। पाकिस्तान को सबसे तगड़ा झटका देने वाली ओआईसी ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा तो की, लेकिन जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने को लेकर भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। शक्तिशाली ओआईसी सदस्य देश सऊदी अरब और तुर्की ने कश्मीर मुद्दे के निपटारे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का आह्वान किया। वहीं यूएई ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। ओआईसी के सदस्य देश आर्थिक भागीदारी और रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत को पाकिस्तान से कहीं अधिक महत्व देते हैं। वहीं भारत ने सभी ओआईसी सदस्यों के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत किया है। रूस ने संकट की घड़ी में हर वक्त भारत का साथ दिया है। दुनिया में कैसे भी समीकरण बने, परंतु रूस और इजराइल दो ऐसे मुल्क हैं जो भारत के साथ हर वक्त खड़े नजर आए हैं। रूस ने आज भी अपनी नीति नहीं बदली है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रूस जिस प्रकार पाकिस्तान के करीब आया है, उसके मद्देनजर रूस का बयान संतुलित होगा, मगर रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया और भारत का श्रेष्ठ मित्र होने का तमगा अपने नाम ही रखा। बड़ी बात यह है कि खुद पाकिस्तान का पाला बच्चा उसी को लात मार गया। मतलब तालिबान ने भी पाकिस्तान को आंखें दिखा दी। उसने अफगानिस्तान समस्या को जम्मू कश्मीर से जोड़ने पर जमकर लताड़ लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान बगले झांकता नजर आया। दरअसल पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के मकसद से अफगान और तालिबान वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता की तरह ट्रंप से जम्मू कश्मीर मामले में मध्यस्थता की बात कही थी। वैसे ट्रंप ने सबसे बड़ा यू टर्न मारा। उसने 22 जुलाई को कश्मीर मध्यस्थता के नाम पर इमरान खान को जिस सीढ़ी से एफिल टावर पर चढ़ाया था, ट्रंप उसी सीढ़ी को कंधे पर डालकर भाग निकले। मतलब इमरान खान फिर से एफिल टावर पर लटका हुआ फायर ब्रिगेड की बात जो रहा है। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, यह आज भी चर्चा का विषय है। कहने वाले तो यही कहते हैं यह सब मोदी
और ट्रंप का किया धरा है। ये दोनों नेता पहले से ही तय कर चुके थे कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री केवल कश्मीर के नाम पर चलती है। तय हुआ कि यदि कश्मीर समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान के पास आतंकवादी पालने का उद्देश्य ही नहीं बचेगा। पर इसमें कितनी सच्चाई है यह तो ट्रंप महाराज की आत्मकथा आने के बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल तो पाकिस्तान युद्ध करने के लिए उधार में गोलियां मांगता फिर रहा है, यानी पीओके भी भारत को परोसने की खुद ही तैयारी में है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।